आज हम लोग हैं जंतर मंतर पर, हमारे साथ हैं अशोक अज्ञानी जी। अशोक जी, आज धर्म और संसद को सड़क पे लाने की क्या जरूरत पड़ गई जिसको लेके आपने आज जंतर मंतर पे इतना बड़ा प्रदर्शन करा? जी देखिए, बहुत अहम सवाल है ये, क्योंकि आज हम धर्म संसद को यहाँ पर क्यों लेके आए, सड़क पे लेकर के आए, क्योंकि पिछले इतने 70 वर्षों में और खासतौर पे संविधान लागू होने के बाद 1952 के बाद 1950 के बाद हमारी जो स्थिति है ज्यों की त्यों भी नहीं है जो हमारी उस समय थी, और वो लगातार ख़राब होती जा रही है। तो आज ना तो हमें किसी धर्म में सम्मान मिल रहा है, ना ही हमें किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी व्यवसाय में, किसी धरती में ना कोई हिस्सा मिल रहा है। जब हमें ना कहीं हिस्सा मिल रहा है, ना कोई सम्मान मिल रहा है, ना कोई धर्म में हमें कोई अपनाने को तैयार है, तो आज हमें अपना धर्म खुद उसकी मान्यता मांगने के लिए आना पड़ा। आज हमें खुद अपनी राजनीति को यहाँ पर ललकारने का, उसको तैयार करने के, स्थापित करने का हमें यहाँ पर आना पड़ा। हमें अपने रोजगार और व्यवसायों में हिस्सा लेने के लिए आना पड़ा। हमें यहाँ पर अपनी इस भारत की धरती में हिस्सा लेने के लिए आना पड़ा, क्योंकि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। और हम सब, और सबसे ज़्यादा हम उपेक्षित, पीड़ित, और सबसे ज़्यादा मेहनती, और सबसे ज़्यादा गंदा पेशा करने वाले समाज को ये तमाम कोई उपेक्षित। और सबसे बड़ी बात, वोट हमारा है, ये हमारा वोट लेते हैं। वोट लेने के लिए दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा जो वोट काउंट करी जाती है वो वाल्मीकि समाज की काउंट करी जाती है, फिर भी दिल्ली का जो सीएम है वो वाल्मीकि समाज का क्यों नहीं है? देखिए, खाली सीएम बनने से कुछ नहीं होगा। हमने अब ऐलान किया है कि इस बार जो 40 लाख हमारा जो वोट है यहाँ पर, 40 लाख वोट और 13 लाख हमने मुस्लिम समाज को भी जोड़ा है, और हमारा जो जाटव समाज, हमारा भाई, हमारे जो बड़े भाई हैं उनको भी हमने जोड़ा है। एक मोर्चा बनाया, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक अलायंस। इन पॉलिटिकल पार्टियों में जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनका नेतृत्व मनुवादी है, इसमें हम अगर लड़के मुख्यमंत्री बन जाएंगे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल, हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, वो राष्ट्रपति तो हैं मगर वो समाज के किसी काम आने वाले नहीं है। वो एक रबर स्टैम्प भी नहीं है, उनकी रबर स्टैम्प भी उन्होंने रखी हुई है अपने हाथ में, वो भी नहीं लगा सकते। तो इसीलिए हमें इन पार्टियों में सारे नहीं चलना है। इसमें मुख्यमंत्री संतरी कुछ भी बन जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। अब हमें अपनी खुद की राजनीति स्थापित करनी होगी, जिसको हम करने जा रहे हैं। और बाबा साहब ने जो लोकतांत्रिक अधिकार दिया, डेमोक्रेसी में दिया है हमें, चुनाव लड़ने का, संगठन बनाने का, पार्टी बनाने का, हम उसका उपयोग करके अब अपनी राजनीति इकट्ठी अब स्थापित कर रहे हैं, और अपना मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, और अपनी सरकार, कैबिनेट भी अपनी होगी, तभी हम समाज के लिए काम कर पाएंगे। जब तक बहुजन समाज जागा नहीं था, लेकिन अब पूरे देश के अंदर इतनी तेज़ी से जाग चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी लाखों की संख्या में आज बहुजन समाज और वाल्मीकि समाज एकजुट हो गया है, और जो पूरी सत्ता से पूरी ताकत लगा के अब देश का सीएम ही नहीं, पूरी देश की व्यवस्था को बदलने के लिए आगे बढ़ चुका है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।